चीन ने भारत को एक बार फिर चेताया है और ये चेतावनी अर्थव्यवस्था को लेकर दी गई है। दरअसल चीन ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी को चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश ना करें, इससे भारत को नुकसान हो सकता है। भारत हो या अमेरिका, दोनों देशों ने चीन की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही देशों ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाई है। भारत ने जहां चीन की 59 ऐप्स को बैन कर दिया, वहीं अमेरिका ने भी चीन के साथ व्यापार के नियमों में बदलाव कर दिया। अपनी दुर्दशा होती देख चीन अब बौखलाने लगा है और उसकी ये बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उसकी इस बौखलाहट का सबूत उस वक्त देखने को मिला जब चीन ने भारत को अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दे डाली। चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत को भी इसका नुकसान का भार झेलना होगा, दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीन का ये बयान उस वक्त आया जब मोदी सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीन के कई ऐप्स को बैन कर दिया। इसके साथ ही विदेशी निवेश समेत भारत में कारोबार करने के कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे चीनी कारोबारों पर काफी प्रभाव डाल सकता है। साथ ही चीनी राजदूत ने कहा कि चीन भारत के लिए रणनीति रूप से कोई खतरा नहीं है और दोनों एक दूसरे की जरूरत है। चीनी राजदूत सन वेई रोंग ने ये बात ट्वीट के जरिए कही है। उन्होंने कहा कि चीन ऐसे संबंधों की वकालत करता है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो और किसी का नुकसान न हो। हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक और एक दूसरे पर निर्भर है। इसे जबरदस्ती कमजोर करना ट्रेंड के विपरीत जाना है, इससे दोनों देशों को सिर्फ नुकसान ही होगा। दोनों देशों के बीच सदियों से शांतिपूर्ण रिश्ते रहे हैं। हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे और न ही किसी देश की कीमत पर अपना विकास किया। वहीं पूरी दुनिया में कई मुद्दों पर चीन के घिरने पर चीनी राजदूत ने कहा कि ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और शिजांग चीन के अतिरिक्त मुद्दे हैं और इससे चीन की संप्रभुता और सुरक्षा जुड़ी है। चीन किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देता है और न ही किसी बाहरी दखल को बर्दाश्त करता है। चीन की ये चिंता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए है या फिर खुद की अर्थव्यवस्था के लिए, ये बात तो चीन के इस बयान ने ही जाहिर कर दी है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच में उस वक्त से ही रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं जब 15 जून को लद्दाख में भारतीय सैनिकों की और चीन सैनिकों की खूनी झड़प हुई थी और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि तनाव घटाने के लिए भारत और चीन के अधिकारी कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, साथ ही दोनों पक्षों में सेना के पीछे हटाने को लेकर सहमति भी बनी है, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।